अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। मैं आपकी टीचर यूपीएस मीर मौला छीपुरा। कल मैंने आपको थर्ड उर्दू से ये एक नज़म है कोयल, ये पढ़ाया था। आज इसका थोड़ा सा जो बाकी हिस्सा रहा था वो हम कंप्लीट करेंगे। पहले हम ये अल्फाज माने देखेंगे। बन, बन किसको बोलते हैं? जंगल। रट, हर वक्त एक ही बात कहे जाना, क्या है? कोई बात दोहराना, एक ही बात दोहराना बार बार। लुत्फ, लुत्फ मीन्स मज़ा। अजीब, अनोखा, नया, जो कुछ नई चीज़ हो या अनोखी चीज़ हो। रगबत, रगबत मीन्स शौक, किसी चीज़ का शौक रखना। उल्फत, उल्फत हुआ प्यार या मोहब्बत। अब हम ये देखेंगे, ये शायर ने पहले बंदर में कोयल की किन तीन चीज़ों को बयान किया है। ये देखिए, शायर ने पहले कोयल की किन किन चीज़ों में, पहले बंदर में देखिए, पहले इसने कोयल की जो सूरत है वो बोली बाली है, ये बोला है, और इसकी रंगत काली काली है, मतलब इसका रंग काला होता है और इसकी सूरत बहुत बाली बाली बोली बाली होती है। वन में शोर मचाने वाली, और ये कोयल जो होती है ये जंगल में हर वक्त शोर मचाती है, ये तीन चीज़ें बताई है। दूसरा है, बाग का मालिक किस बात पर खुश होता है? बाग का मालिक जो है वो कोयल की जो कूक है वो सुन के बहुत खुश हो जाता है। बाग का मालिक कोयल की कूक सुन के बहुत ही खुश हो जाता है। फिर है, इस नज़म में शायर ने एक ही मिसरा तीन बार दोहराया है, वो कौन सा मिसरा है? एक ही मिसरा तीन बार दोहराया है, वो ये है, कोयल तेरी कूक निराली। यहाँ पे भी है, कोयल तेरी कूक निराली, ये भी है, कोयल तेरी कूक निराली, ये इसने बार बार तीन बार दोहराया है इस नज़म में। अब है, नज़म के आखिरी मिसरे में कोयल की कौन सी खूबी ज़ाहिर होती है? यहाँ पर देखिए, कोयल की कौन सी खूबी ज़ाहिर होती है? ये खूबी ज़ाहिर होती है, जो कोयल होती है उसको आम बहुत प्यारे लगते हैं, और जो आम आम का बाग होता है उनसे कोयल को बहुत ही मोहब्बत होती है, और कोयल को कुकू करने की आदत होती है।